नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज हो गया 19 सितंबर दिन शनिवार, तो चलिए बिहार के 15 फटाफट बड़ी खबरों को जानते हैं, जिसमें हम जानेंगे बिहार में कोरोना अपडेट, कहां पर बारिश और वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस मामले को लेकर, विधानसभा चुनाव परीक्षाओं को लेकर, मुख्यमंत्री के द्वारा नए उद्घाटन को लेकर, पीएम मोदी का बिहार में उद्घाटन को लेकर, साथ ही जानेंगे किस जगह मास्क चेक इन अभियान फिर से चलाया जाएगा, बिहार में पान सला और गुटखा पर प्रतिबंध को लेकर, और फिर साथ में जानेंगे कि बिहार से नेपाल के लिए ट्रेन का परिचालन कब से शुरू होगा। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना महामारी की संख्या अब तक 1,65,371 पहुंच चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1,147 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल मरने वालों की संख्या 855 तक पहुँच गई है। राज्य में अब तक 1,49,722 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,465 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है। इस साल 300 से अधिक जान जा चुकी है। 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में शुक्रवार को 3 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की जान चली गई। इसमें औरंगाबाद में 5, गया और भोजपुर में 2-2 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने पटना सहित 14 जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि गोपालगंज, सिवान, सारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गया, औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ, नालंदा, वैशाली, बक्सर और नवादा में अगले 24 घंटे के दौरान आकाशीय बिजली गिर सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और बासित परिहर की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 सितंबर तक के लिए टाल दी है। बता दें कि एनसीबी ने ड्रग मामले में बीते 4 सितंबर को सौभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया था। अगली बड़ी खबर, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुजफ्फरपुर जिला न्यायालय में सलमान खान, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा सहित 8 हस्तियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन सभी को खुद या वकील के माध्यम से अपने पेशी कोर्ट में सुनिश्चित करनी होगी। इन 8 हस्तियों के पेशी के लिए कोर्ट ने 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर ओझा के परिवाद पर कोर्ट ने सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, साजिद नाडियावाला, भूषण कुमार और दिनेश विजयन को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इन सभी को इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नोटिस भेजा जा चुका है। बता दें कि वकील सुधीर ओझा ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुजफ्फरपुर CGM कोर्ट में 17 जून को परिवाद दाखिल किया था। बिहार में गुटखा और निकोटीन युक्त पान मसाला की बिक्री, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग पर बैन को बढ़ा दिया गया है। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने एक आदेश जारी करते हुए प्रतिबंध को अगले साल के लिए बढ़ा दिया है। बड़ी बात यह है कि फूड सेफ्टी एक्ट 2011 के रेगुलेशन के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ में निकोटीन की मिलावट प्रतिबंधित है। राज्य में पहले ही निकोटीन युक्त पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध था, जिसे अगले आदेश तक के लिए 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना के बैरिया में बने इंटर स्टेट बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। मीठापुर से बस स्टैंड को यहां शिफ्ट किया जाएगा। ISBT से हर रोज करीब 3,000 बसों का परिचालन होगा, जिससे रोजाना करीब 1.5 लाख यात्री यात्रा कर सकेंगे। गुजरात की तर्ज पर ISBT के निर्माण की योजना पर वर्ष 2017 में कार्य शुरू किया गया था। 2 साल में इसको बनाकर पूरा कर लेना था। बुडको को इसके निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था। 4 में से 3 ब्लॉक का निर्माण कार्य दिसंबर 2019 में ही पूरा कर लिया गया था। उस समय मार्च 2020 तक कार्य को पूरा कर लेने का लक्ष्य था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसमें विलंब हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रत्याशी 10,000 नकद और 28 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं।
कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पहले ही पत्र लिखा है और इसमें प्रचार खर्च 2 लाख रुपये और बढ़ाने की मांग की है। चुनाव आयोग का कहना है कि कानून मंत्रालय की सहमति के बाद खर्च बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन अब तक जारी किए गए आदेश के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार 28 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। कानून मंत्रालय की सहमति मिलने के बाद ही इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। परीक्षा 22 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 380 केंद्र बनाए गए हैं। पटना में ही इस परीक्षा के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक किया जाएगा। इसमें कुल 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसका जवाब विद्यार्थियों द्वारा OMR सीट पर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया था। यह परीक्षा 10 अगस्त को होने वाली थी। बोर्ड द्वारा यह निर्णय COVID-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को मद्देनजर लिया गया था। भारत और नेपाल के बीच भले ही रिश्तों में तनाव हो, लेकिन इस बीच भारत और नेपाल के बीच ट्रेन चलाने का ट्रायल हो गया है। यह ट्रेन मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के बर्दिवास तक चलेगी। नेपाल जाने वाले भारतीयों के लिए भी खुशखबरी है कि वह ट्रेन से नेपाल जा सकते हैं। जयनगर से बर्दिवास जाने वाले ट्रेन के बीच 9 स्टेशन और 5 हॉल्ट पड़ेगा। 64 किलोमीटर की दूरी ट्रेन फिलहाल तय करेगी। यह ट्रेन रेगुलर कब से चलेगी इसके बारे रेलवे के आधिकारिक समय नहीं बताया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि नवरात्रि के दौरान से परिचालन शुरू हो जाएगा। अगर आप बिहार सरकार की नौकरी करते हैं और आपके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। अगर आपने छुपाने की कोशिश की तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना तय है। इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। अब तक कई मामले आ चुके हैं जिसमें सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी आपराधिक मामले की जानकारी देने के बदले छुपाए हुए हैं, जिसके बाद सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अगर आप पटना में से हैं और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। पटना में एक बार फिर से मास्क चेक इन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। पटना के DM कुमार रवीर से मास्क चेक इन अभियान की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर लोगों को जुर्माना भरना होगा। पटना के DM कुमार विशेष टीम गठित कर चौक चौराहे दुकान वाहनों वेंडर जोन मार्केट और अन्य भीड़ भाड़ वाले जगहों पर मास्क चेक इन करने और दोषी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पटना DM ने जिला प्रशासन पुलिस विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम गठित कर सफल एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अगर आपका बैंक SBI में है और आप ATM से पैसा निकालते हैं तो इसके लिए कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को शुक्रवार से बैंक के ATM से किसी भी वक्त 10,000 रुपये से अधिक की राशि की निकासी के लिए 1-time पासवर्ड की जरूरत होगी। ATM से लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए बैंक ने यह कदम उठाया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप SBI के ग्राहक हैं और आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा की निकासी बैंक के ATM से करनी है तो अपना मोबाइल फोन साथ में ले जाना ना भूले, वरना आप पैसे निकाल नहीं सकते हैं। साइबर विशेषज्ञ ने बैंक की इस पहल को सुरक्षित बैंकिंग की दृष्टि से उठाया गया अहम कदम करार दिया है। आपको बता दें कि ये नियम पहले रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ही मान्य था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्य के लोगों को चौथी सौगात दी। कोसी के इलाके के लोगों के लिए 86 साल का इंतजार पूरा हो गया। 2003 में जिस कोसी महासेतु की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी, उस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पुल बनाने में 17 साल लग गए। राज्य में 1.5 करोड़ की लागत से बना एक पुल उद्घाटन से पहले ही बह गया। जी हम बात कर रहे हैं किशनगंज से। किशनगंज में कनकई नदी ने धारा बदल ली तो उद्घाटन से पहले ही 1.42 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल बह गया। घटना दिगल बैंक प्रखंड के पत्थरघट्टी पंचायत की है। ग्वाला टोली के पास से बह रही कनकई नदी ने इस दिनों अपनी धारा बदली है, जिससे गुआबाड़ी के पास पुल धस गया, जिसका उद्घाटन होना भी अभी बाकी था।
बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार के मंत्रियों को काफी फजीहतों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार के बाद बिहार सरकार के खनन मंत्री ब्रिज किशोर बिंद को भी आक्रोश का सामना करना पड़ा है। भाजपा नेता को उस वक्त लोगों ने खदेड़ दिया जब वह जनसंपर्क अभियान कर रहे थे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जब लोगों ने विकास का हिसाब मांगना शुरू किया तब मंत्री जी उल्टे बाव भागने लगे। इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बगल में ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करें।